चाहूंगी मिशन ब्लू फाउंडेशन के प्रेसिडेंट पंकज सोनी सर को और उनके सारे टीम को। अभी बात हो रही है जो कि अभी सबसे जरूरी मुद्दा है, सामाजिक उद्यमीकरण की। उद्यमीकरण अभी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आज के दिनों में बात करने के लिए मैं बधाई देना चाहूंगी। आज के इस एंटरप्रेन्योरशिप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार में जो मुझे वक्तव्य बोलने को कहा गया है, आदिवासी खान पान के द्वारा रोजगार सृजन करना, मुझे थोड़ा ये लगा कि खान पान को हम अभी इस समय बात कर रहे हैं, एक ये चर्चा का विषय है झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे 29% फॉरेस्ट है, 26% यहाँ पे आदिवासी लोग हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का 25% टू 30% हम लोग उससे जो NTFEs है ये खाद्य हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी ये स्टडी किया गया है। हम लोग आज इस मंच के द्वारा इस पे बात करने की आवश्यकता हो रही है। ये बहुत ही मुझे बहुत ही ये एक तरह से हतोत्साहित करने वाली ये बात है कि हम लोग खाद्य की बात कर रहे हैं, झारखंड को अलग हुए 20 साल से 22 साल हो गए हैं, आज हम अपने खान पान को यहाँ पे झारखंड में पहचान नहीं दिला पा रहे हैं। मैं थोड़ा हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक जी से भी थोड़ा सा एनर्जाइज हुई हूँ, मुझे उत्साह मिला है अपने संस्कृति झारखंड की संस्कृति या तो उसको पहचान दिलाने में हमको अग्रसर हम कैसे होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ हमारे खान पान के द्वारा इसको बचाने की, हमारे संस्कृति को बचाने की और इसको पहचान दिलाने की, तथा दूसरा हम इसके द्वारा रोजगार सृजन करने की। हमारा मैं अजम एम्बा ये शाब्दिक अर्थ है, मैं उरांव समुदाय से आती हूँ, उरांव के द्वारा कुड़ुक भाषा है और ये कुड़ुक शब्द है अजम एम्बा। अजम ये प्रोनाउंसिएशन है, बहुत लोग बोलते हैं अजम एम्बा, इट्स नॉट अजम एम्बा, इट्स अजम एम्बा, ये कुड़ुक प्रोनाउंसिएशन है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट इसका शाब्दिक अर्थ है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि हमारा झारखंड को अलग हुए 22 साल हो गए हैं, किसी को पता होगा हमारा यहाँ का इंडिजिनस या लोकल खान पान क्या है, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी कोई बता पाएंगे आज यहाँ पे कि हमारा यहाँ का खान पान क्या है। ढोसका कहा सर बताइए, पिठा है, छिलका रोटी है, मड़वा रोटी है, मड़वा रोटी है, सरई लठा है, सरई लठा है, किन्हीं को सरई लठा के बारे पता है, सच्ची जी को पता है, सिर्फ खाई खिलाई नहीं इसलिए हम लोगों ने खिला देंगे। ये विडंबना है हमारे झारखंड की, यहाँ पे हमारा खान पान कितना आया 5-6। बिरसा एग्रीकल्चर का एथनोबॉटनी स्टडी कहता है, करीब स्टडी से इसकी 9000 वैरायटी वो एडिबल है, जो कि पत्ता है, कंद, फल, मूल है, वो स्टडी किया गया है, विच ऑल हैव न्यूट्रिशनल एंड द मेडिसिनल वैल्यूज। अभी जब हम लोग कोरोना से गुजरे, दौर से गुजरे हैं 2 साल, कितना हमने प्रयास किया है अपने शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने का, हमारा यहाँ पे उतना चीजें हमें प्राप्त होती है वनोत्पाद से या फिर सीजनली जो मौसम पे आधारित हम लोग खान पान खाते हैं। हमारा खान पान वो बेस था, हम यहाँ के लोकल लोगों का जो कि जंगलों से प्राप्त था या फिर मौसमी बेस था। अजम एम्बा का ये प्रयास रहा है पिछले 6 साल में कि इस खान पान के द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचाए, हमारा संस्कृति को प्रमोट करें, हम लोग बताए यहाँ पे कि हमारा हम आदिवासियों का या फिर झारखंडियों का ये खान पान है जो कि बहुत ही पौष्टिकता है और
औषधीय गुणों से भरा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए 2018 में अजम इम्बा ने संस्थागत रूप से एक अजम इम्बा कम एक आदिवासी खानपान और संसाधन केंद्र का की स्थापना की और जिसके संस्थापिका मैं हूँ। और 2018 से हम लोग प्रयासरत है इस मॉडल को जो कि एकदम टिकाऊपन है, सस्टेनेबल है। हम लोग प्राकृतिक से कौन नहीं चाहेगा आज के डेट में, सखुआ के पत्ते में यदि आपको जंगल से वनोत्पाद आपके पत्तल में रखा जाएगा कौन नहीं ये खाना चाहेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। कौन नहीं चाहेगा कि आपके ग्रीन पत्ता में, ग्रीन जो प्लेट है या दोना है, मट्टी का ग्लास है, मट्टी का हांडी है, कौन नहीं वैसा पकवान आज के डेट में अपने टेबल में खाना चाहेगा, मुझे बता दें। मुझे लगता है सारे लोगों को ये खाना पसंद होगा। आज वो खाना अजम इम्बा के द्वारा हमारे रेस्तरां में परोसा जाता है। मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगी इस अजम इम्बा के प्रयास के द्वारा हम लोग इसको, इस मॉडल को कैसे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला तो ये यहाँ पे जितने भी वक्ता ने कहा कि हमें आज अपने उद्यमी को बढ़ावा देना है, जैसे JSLPS के विष्णु परेडा सर ने कहा, MSME की हर बात आई कि महिला, मतलब SHG की बात आई है, यहाँ पे महिला समूह की बात आई है, हम क्यों उस पे जाते हैं। मतलब मैं एक थोड़ा सा वासने सो रही सर, क्योंकि बींग ए महिला हम सोचते हैं कि हम ज्यादा जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है कि हम जो महिलाएं काम करती है, जो चीज को शुरू करते हैं, जिम्मेवारी से करते हैं और वो जिम्मेवारी के साथ में सस्टेनेबल भी हम लोग उसको निभाते हैं, मेरा यह विश्वास है। हमारा अजम इम्बा को मैंने उसी मॉडल पे बढ़ाया है। हमारे अजम इम्बा में ये 4 साल का हमारा सफर रहा है, 2 महिला से 1 महिला से शुरुआत करके आज सारी हमारे अजम इम्बा में 15 आदिवासी महिला कार्यरत है। ये 4 साल के सफर में सारी आदिवासी महिलाओं के द्वारा अजम इम्बा संचालित होता है, जहाँ पे हम लोग आदिवासी खानपान, जितना भी मैं स्टडी की बातें नहीं भी करूं, यदि 9000 एटलीस्ट 100 से 150 प्रकार के हम लोग मौसमी या वनोत्पाद चीजों को वहां पे मौसम के हिसाब से परोसते हैं। ये हमारा आज का 4 साल का ये है, हमारा जो बिजनेस का ये है आज के डेट में अजम इम्बा 4 टाइम बढ़ा है। इसके बावजूद कि 2 साल हमने कोरोना से जूझा है, हमको 2021 से लेके 22 में 42% यदि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप या इसके द्वारा रोजगार सृजन की बात करें, हमें 42% की वृद्धि हुई है हमारे बिजनेस में। इसके बावजूद कि हमने कोविड में सफर किया है, हमारा अजम इम्बा जो एनुअली टर्नओवर 5 लाख था, आज हम लोग इस ये पे हमारा एनुअली टर्नओवर अजम इम्बा जो कि आदिवासी खानपान और इंडिजिनस चीजों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, अभी 20 से 25 लाख हो गया है आज के डेट में अजम इम्बा जो आदिवासी खानपान को हम लोग परोस रहे हैं। ये है हमारा कुछ उपलब्धियों की मैं बताना चाहूंगी। अभी जब अजम इम्बा में हम बात करते हैं, हम लोगों ने अजम इम्बा के द्वारा जो खान पान को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है, पहला कि ये एक इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय जो स्लो फूड अभियान है उससे जुड़ के अजम इम्बा के द्वारा उससे जोड़ा गया है और हमने इस आदिवासी झारखंड के आदिवासी खान पान को न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि जापान में, इटली में, रोम में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर ये पे अजम इम्बा आज वहां तक पहुंच गया है। झारखंड अजम इम्बा स्लो फूड अभियान के दौरान ये इतने देशों तक यहाँ का खान पान पहुंच गया है 4 वर्षों के दरमियान में। हम अपने अजम इम्बा के द्वारा यदि रोजगार सृजन की बात करें तो करीब करीब नेशनली हम लोग 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने खान पान से रूबरू कराया है, हमारे यहाँ आके खाए हैं अजम इम्बा के द्वारा। ये है
और यदि महिलाओं की बात करें रोजगार सृजन की, डायरेक्टली हमने 15 लोगों को अभी वहां पे रोजगार दिया है। इनडायरेक्टली बात करें तो करीब 25 महिलाएं जुड़ी हुई है हमारे इस अभियान से, और करीब करीब 1000 से ज्यादा लोग जो कि वनोत्पाद के संग्राहक हैं, एनटीएपी के कलेक्टर्स हैं, या फिर जो मौसम के आधारित या फिर देसी खान पान को जो बढ़ावा देते हैं, 1000 किसानों को हमने आइडेंटिफाई कर रखा है सीजन के हिसाब से। तो ये एक तरह से ये हमारा जो मॉडल है ये 2-3 times का ये वृद्धि करते जा रहा है। अभी के 4 साल के जो हमारा जो आकलन रहा है अभी तक का हमारे इस मॉडल के द्वारा, तो ये हमारी अभी तक की उपलब्धि रही है आजा मेंबर के द्वारा। हम लोग भविष्य में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक मॉडल जो मैं बताना भूल गई थी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट टू फार्म टू प्लेट अप्रोच, दूसरा एंड टू द एंड सॉल्यूशन, मतलब हम जंगलों से या फिर सीजन से चीजें ला रहे हैं उसको प्लेट में सर्व कर रहे हैं, ये है। इसके साथ हमारा जो बैकएंड लिंक है जो ग्रामीणों को जोड़ना है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। एक हमारा डाइनिंग है जो कि हम लोग रेडी टू ईट फूड वो रेस्टोरेंट मोड में देते, दूसरा हमारा है प्रोसेस आइटम वैल्यू एडिशन वाला। इसके द्वारा हमारा प्रयास है कि हम बैकेट लिंकेज पे काम करके जो वैल्यू एडिशन है जो भी सीजन के हिसाब से वनोत्पाद आते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों के बाद में बैम्बू शूट का जो सभी लोग जानते हैं करील का होगा, तो वो पिकल्स बनाए तो उससे चीजें यहाँ पे परोसेंगे, एक तो पिकल बनता है या फिर डायरेक्ट हम खान पान परोसते हैं तो उससे बनाई हुई चीजें परोसते हैं। महुआ इससे पहले था, हम लोग महुआ का पिकल बनाते हैं जो वैल्यू एडिशन है, उसका लड्डू बनाते हैं, या फिर उसके द्वारा जो खान पान जो सरे लट्ठा बोला गया, जो महुआ भफल बोला गया, वो चीजें हमें सीजन के हिसाब से हम लोग परोसते हैं अपने अजमे पर। इस तरह जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर हम लोग बैकेंड लिंकेज भी काम कर रहे हैं, जो कि हमारी रूरल महिला जो कि इन्वॉल्व होती है वनोत्पाद को संग्रहण करने में, उस पर वो लोग उसके साथ जुड़ सके। और इसके लिए हम लोग इस साल मतलब 3rd year से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश जारी है। और इस प्रयास के लिए हमने अपना पहला जो स्थान चुना है गुमला जिला के द्वारा, हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सीजनल प्रोड्यूस है उसको वैल्यू एडिशन में प्रोडक्ट आइटम दे के या पिकल्स बना के या फिर लड्डू बना के या फिर महुआ का मड़वा का केक बना के लड्डू बना के, तो इस तरह से हमारा 2 तरह से हम लोग अजय मेंबा में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कह के मुझे लगता है हमारा मैं विदिन टाइम हूँ मैडम, मैं इतना ही कह के अपने मेरे को विराम देना चाहूँगी। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड बधाई, इतना अच्छा डिस्कशन अभी ये इसकी जरूरत है इस पे चर्चा करने के लिए, धन्यवाद मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए, और फिर से जोहार।